नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज मैं चर्चा करूंगा बीपीएससी के जो पेपर है। आज पहली बार मैं इस बीपीएससी के पेपर का मतलब यहाँ पहुंचा, बिहार आया, बहुत अच्छा लगा। लोग भले ही कुछ भी कहते हैं बिहार के बारे में, जो भी आज धारणा बन चुकी हो जो भी, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो सब लगभग ज़्यादातर लोग कहाँ से हैं, बिहार से हैं। चाहे वो आपको बॉलीवुड हो, चाहे आपको बड़े बड़े प्रशासनिक चीज़ हो, चाहे वो आपका बड़े बड़े राजनेता हो, या चाहे आपके धार्मिक ग्रंथों में चीज़ें हों, या धार्मिक बड़े बड़े महापुरुष हों, इन सबका संबंध बिहार से बहुत रहा है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस बिहार की धरती पर खड़ा होकर के। तो आज बीपीएससी का पेपर जब मैं फर्स्ट टाइम अटेंड किया तो मतलब ये था कि जैसा मेरा अनुमान था वैसा पेपर थोड़ा सा उससे हट गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और अभी मैं एक जगह बिहार की किसी जगह पर रुका हुआ हूँ, जगह तो एग्जैक्टली पता नहीं, तो सोचा चलो कुछ बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके आज बताऊँगा कट ऑफ क्या, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और क्या होगी कट ऑफ, बिल्कुल एग्जैक्टली कट ऑफ, ताकि जो लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे थे, ये जो लोग पेपर दे चुके अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और बहुत बहुत बधाई आप सही मेरे उन सारे दोस्तों, सारे उन मित्रों, सारे मेरे सारे उन छात्रों को जिन्होंने चौहान अकेडमी पर भरोसा भी किया था। साथ ही मैंने बोला भी था आप लोगों को जो बीपीएससी के बैच में कि आप लोग ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी डाउट था, तो जो कुछ मैंने आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के कवर हो गए थे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया। साथ में पॉलिटी का जो चीज़ें थी अभी दिखाता हूं कि मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था। तो और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि इस बार ई ऑप्शन भी लेके चलना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी पूछा ही था, तो इस बार भी ई ऑप्शन लेके चला है। तो चलिए डिस्कस करते, पहले पेपर थोड़ा देख लेते हैं कि पेपर कैसा था, उसके बाद फिर कट ऑफ का डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आज मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग उसका महसूस करें अगर मेरी आवाज़ को थोड़ा डिफरेंट लगे तो, क्योंकि लगातार यात्रा की वजह से आदमी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। चलिए, इसमें टोटल प्रश्न थे 150, ठीक है। और आपको मतलब 200 जो पूर्णांक था आपको पता है, जो पूर्णांक था 150 का, क्वेश्चन भी 150 थे। तो शुरू करते हैं एक करके, ठीक है। तो पहला प्रश्न ही था सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय, मतलब पॉलिटिक्स से प्रश्न था। और याद करिए मेरा पहला जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था उस पे पॉलिटी पे, तो जब मैं पढ़ा रहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है या जिसे संसदीय व्यवस्था कहा जाता है तो वो किसे कहते हैं, उसका जब मैंने आपको कैरेक्टर बताए थे तो आप लोगों में से कुछ क्वेश्चंस उठाए थे लोगों ने। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, यूपीएससी क्वेश्चन है बेसिक तौर पर देखा जाए तो। इसमें कहा है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कौन से वक्तव्य सही नहीं सही है। पहला, विधायिका जो होती है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह। तो मैं आपको बता दूं, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया था। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, तो विधायिका कार्यपालिका के प्रति भी जवाबदेह नहीं होती है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। अब एक बात बताइए, विधायिका और कार्यपालिका अगर संसदीय व्यवस्था में देखे जाए तो स्वतंत्र नहीं है, वो भी आप पता है अच्छे से कैसे, क्योंकि भारत की जो संसद है, अगर भारत की संसद में देखें तो भारत की संसद में से ही जो लोग एमपी होते हैं उन्हीं में से मंत्री बन जाते हैं, ना कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्यपालिका कहलाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, क्या आपने कभी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये उपरोक्त कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अच्छा, मेरे कुछ मित्र थे जब हम एग्जाम सेंटर के बाद हम बात कर रहे थे, बाहर की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने डाउट, उनको दिक्कत इस बात को गई था कि उपरोक्त में से कोई नहीं एक तो ठीक है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कुछ लोग क्या करते थे, ए उपरोक्त में से पढ़ लिए, इसको नहीं पढ़ते। तो ध्यान रखना, कई दोस्तों के गलत मार्क्स इसकी वजह से हुए, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका, ठीक। अगर मैं आपको बात करूं अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत सही था। अभी पंचायती राज हमेशा आपके जो चर्चा में रहता है, जैसे खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत, उपरोक्त से कोई नहीं। तो आप एक चीज़ देखें आप, ठीक है, किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत क्या स्टार्ट किया गया था, पंचायत, खाप पंचायतों को आज भी उसको ज़्यादा नहीं माना जाता, न जाति पंचायत को माना जाता, ग्राम पंचायत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी है, अब राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी। तो आप एक बात बताइए मुझे, आम आदमी पार्टी काफ़ी चर्चा में रही है ना। अब यहाँ पर एक डाउट है, क्या एक राज्य की पार्टी है,
कि अगर राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन था इसमें, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के लिए, तो आम आदमी पार्टी का एक बार थोड़ा सा इसको आप हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इस पे जो है सबसे जो इसका सही आंसर है, आप देखेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा में अगर सीट में देखा जाए तो लगभग 3 सीटें इसकी है ही, ठीक है, और जो लोकसभा में 1 सीट है। तो स्टेट पार्टी का इसको ECI द्वारा जो दिया गया है, जो अभी स्टेटस है, वो एक राज्य पार्टी का दर्जा, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा राज्य पार्टी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखे जाए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पोस्टमार्टम कहा गया, तो आप जानते हैं पोस्टमार्टम क्या होता है, मतलब मरने के बाद उसका उपचार, तो इसमें प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, सच में लेवल बहुत अच्छा था क्वेश्चंस का, मतलब बहुत सारे ट्रेडिशनल लेवल पर ही क्वेश्चनों को रखा गया है, लेकिन अगर और भी चीज़ों देखी जाए तो मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर था तो उसके पीछे छुपे हुए राज को आप अच्छे से आसानी से कर सकते थे। खैर, ये बड़ी बड़ी बातें कहने में अच्छी लगती है, जब एग्ज़ाम में देना था तब पता चलता है, जब मैं खुद बैठा तो दिक्कत ऐसे लगती थी, यही भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। खैर, इसका आंसर जो है तो सातवें को, मतलब अगर इसके तरीके से देखा जाए तो उसमें काफ़ी डाउट भी है पोस्टमार्टम संवैधानिक उपचारों में से, ठीक है। अब संवैधानिक उपचार आप जानते हैं क्या है, कि जैसे मान लीजिए किसी का अधिकार या किसी के कुछ हो चुका है ना, तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो अधिकार प्रक्षा को हम यह कह सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी डाउट है। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ इसको आप बिल्कुल भी ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं चौहान सर ने कह दिया तो यही सच आंसर है। मैं अपने तरफ से एक बता रहा हूँ, आप अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जहाँ मुझे डाउट है बोल ही रहा हूँ कि डाउट है कि है ना। तो ये जो आपका सातवां क्वेश्चन है, तो सातवें क्वेश्चन में इस चीज़ का डाउट है, अधिकार प्रक्षा में डाउट है, ठीक है। और एक तो इस पे आप ऊपर इतने से कोई नहीं, क्योंकि अधिकार प्रक्षा क्या होता है कि कोई काम कर देता है व्यक्ति, और काम करने के बाद फिर उससे पूछा जाता है कि किस हक से आपने किया, ठीक है, तो ये रहेगा। अगला है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो इसे कहते हैं BPAT, ठीक है, ये आठवां क्वेश्चन है। तो इसका जो इन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछा है कि संस्करण कौन सा है, M1 है, Z21 है, M3 है, Z3 है या कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो सी है, मतलब M3 है। मैं आपको बता दूं कि इस पे जो BPAT का आप आज के डेट में वेरीफाइड जो, जैसे मतलब ये बड़ा मुद्दा गरमाया था और सरकार से निवेदन किया गया था, या बहुत बार ये बात की गई थी, अनुरोध भी किया गया था, कोर्ट में कई केस भी चला इसके वाली है कि निष्पक्ष जो है वोटिंग नहीं हो पा रही है। तो होता है कि जब आप मशीन में, जैसे आपने किसी पार्टी के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए बटन दबाई, तो वहाँ से एक पर्ची निकलती जो वेरीफाई करती कि जो जिस पे आपने जिसको वोट डालना चाहा उसी पे गया है या नहीं, ठीक है, तो वही है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ये भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। अब देखिए, 11वां का सही आंसर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें है कृषि लागतें मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कृषि लागतें मूल्य आयोग होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि वित्त आयोग अगर मारा हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल समझ लीजिएगा, जिसका मैं करेक्ट आंसर जो बता रहा हूँ कृषि लागतें मूल्य आयोग, इसका ही करेक्ट आंसर ये, ठीक है। ये करता है, ये इसका काम होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, ताकि जो है किसान भाई अपना चीज़ों को सही मूल्यों पर बेच सके। हिंदू वृद्ध दर किससे संबंधित है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे संबंध जनसंख्या से बिल्कुल नहीं है, GDP से है। क्योंकि आप एक किताब पढ़िएगा, या मैंने आप लोगों को रिकमेंड भी किया था एक किताब, उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलतापूर्वक चलती है, आप वाणी करके आती है, तो उस पर देखेंगे, उस पर लिखा ही है, ठीक है, कि हिंदू वृद्धि दर को पहले जो माना जाता था किसको, GDP से मतलब जोड़ा जाता था, तो इसका सही आंसर हिंदू वृद्धि दर अर्थात GDP होगी। 13वें क्वेश्चन की बात करें, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का कहाँ आयोजित हुआ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है कि अगर आप जाएंगे तो मोतिहारी में इसका आयोजन हुआ था,
ठीक है, मुझे मतलब ऐसा एक डाउट है कि इस मोतिहारी का ही है, ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा ये कृषि को मेला होता है जिसमें काफ़ी सारे वैरायटीज़ के मतलब कृषि को वहाँ पर लाया जाता है और चीज़ें की जाती है, बहुत सारे अनुसंधान भी दिखाए जाते हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो बिहार राज्य को स्कोर की अगर बात करूँ साहब, तो बिहार राज्य स्कोर का जो आपका है वो 32.11 है, ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार करके मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी जब दिल्ली पहुंचूंगा अपने ऑफिस तो बहुत सारी चीज़ें इस पर बना सकता हूं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। मैं तो अभी एक पेपर का एनालिसिस करके थोड़ा सा बता दिया कि किस प्रकार की चीज़ें हैं, मैं और भी पेपर आगे पूरा आपको दिखाई दे रहा हूं पूरा। ये छठी पंच योजना के दौरान के कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, अंत्योदय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया, 2017 मान सम्मान निर्मित वस्तु के निर्यात में भारत में वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, सरकार को राजस्व भुगतान जिम्मेदार मान। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ट्रेडिशनल थी, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम जो है, लंदन मीडिया हाउस संस्थापक कौन थे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टिक लगे हैं, ये टिक का मतलब ये है कि ये मैंने कोशिश, ये जब मैं पेपर देता कोशिश, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ऐसी चीज़ें मैंने लगाई थी। अपने अपने चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये आप देखेंगे। इसके अलावा मेरा जो सबसे जो अनुमान था इस पर, वो थोड़ा अनुमान मेरा फेल हुआ किस चीज़ में, मैथ्स के क्वेश्चन लगभग ये 10 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने ज़्यादा कर दिए हैं, तो ये भी एक चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर का जो लेवल था, करंट अफेयर का लेवल अपने आप में कहा जाए तो ठीक था, है ना। BPSC ने अपनी जो 62-60 से लेकर के जो अभी तक आप चीज़ें बढ़ाई हैं, काफ़ी अच्छा मतलब पेपर का स्तर बढ़ाया है। तो आपको पता है कि लगातार तीन, अगर हम चीज़ों को देखें, कट ऑफ को देखें, तो पहले कट ऑफ गई थी आपको पता है 97, फिर 96, फिर उसका 95, ठीक है। मैं एक बार आपको पूरा एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, ऑफिशियल साइट्स एक बार खोल लेता हूँ, उसमें करेक्ट बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि हम देख बात करें अगर तो 60वीं और 62वीं जो BPSC हुई थी उसका कट ऑफ गया था जनरल का, मेल का 97, ठीक है, फीमेल का गया था 86, OBC का गया था इसमें 90 आपका था 93 था, उसके बाद ऐसे करके और थे, SC का 83 था, ST का 89 था, ऐसे करके। उसके बाद जब हम बात करें 63rd का, ठीक है, तो 63rd का गया था 96, ठीक है, मेल का, फीमेल का 86 और OBC का 93। और बात करें जो पिछले साल हुआ था, पेपर हुआ था जिसके थे 64th, तो 64th का गया था 97, है ना। और इस बार एक्चुअली क्या है कि संख्या बल भी था ज़्यादा और सेंटरों में देखा गया है कि काफ़ी अच्छे काफ़ी अच्छी भीड़ भी थी बच्चों की। तो उस पे अगर मैं ये कहूँ कि इस बार की जो कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी 99 है, ठीक है, ये एक ऐसा आंकड़ा जिस पे आप एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हैं, 100 से 101 या कि 97 से 98, ठीक है। तो ये एक ऐसा है जिनके 99 to 100 करेक्ट हैं, ठीक है, आप सभी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, ये मेरा अनुमान है। और मेरी जो अब टीम जो बात करेंगे जो तो बाद में पता चलेगा ही, तो अभी जो यहाँ पर बैठ करके काफ़ी सारे एस्पिरेंट से बात करने के बाद एक चीज़ जो नज़र आ रही है, सामने आ रही है, वो ये है। बाकी चीज़ें मैं दिल्ली पहुँच करके चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई और ज़्यादा करूँगा। अगर आप लोगों कमेंट आते हैं कि फुल डिटेल में इसके क्वेश्चन पेपर को बताया जाए, डिस्कस किया जाए, तो मैं डिस्कस करूँगा ज़रूर, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं अब आगे के लिए तैयारी करते रहिए अपना। अब इसके बाद अगला पड़ा उत्तर प्रदेश PCS का है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में तो भाई साहब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं वहाँ, तो उसकी तैयारी बहुत जोर तोर से करिए, ठीक है। चलिए, अपना सभी ध्यान रखिए, और कट ऑफ मैंने बता दिया है कि कैसे आपको चीज़ें करना है, और अपना अच्छे से स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुसीबतें आएंगी, एक किसी बहुत बड़े शायर ने कहा था कि मुझे तो देखना है मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहाँ तक है। मुझे तो देखना है मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहाँ तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, मुझे तो देखना है ए कमबख्त
तू बेवफा कहाँ तक है, तू बेवफा कहाँ तक है। तो इसी चंद लाइनों के साथ मैं रखता हूँ और आपको सभी को शुभकामनाएं करता हूँ कि आप सभी जो है योग्य हैं वो सफल हो और आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।